हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एच डी मेकअप लुक फॉर वेडिंग पर्पस. अगेन सभी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेंज में हैं और सबके लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इवन मेरी ज्वेलरी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो लेट्स सबसे पहले मैंने आइस में लेंस लगाए हैं ग्रीन कलर के जो कि मैंने नॉर्मल शॉप से परचेज़ किए हैं और इनसाइड का प्राइमर यूज़ करूँगी मैं पोर्स को क्लोज़ करने के लिए ज़्यादा आज मैं ज़्यादातर प्राइमर जो यूज़ करूँगी वो आइस के नीचे अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी जो आ, फाइन लाइन्स है ना वो आइस के नीचे है तो उसको ये प्राइमर बहुत अच्छे से कवर कर देगा साथ में ही मैं फेस पर भी मर्च कर लूँगी और इसको थोड़ी देर हम रखेंगे देन मैंने ब्लू हेवन का लिप बाम यूज़ किया है लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे फेस को भी मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया था देन मैंने यूज़ किया है इनसाइड का कंसीलर पैलेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में तो इस पैलेट का टेक्सचर बहुत अलग था लेकिन अभी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो चुका है ये टेक्स्चर तो मैं इसके ऊपर हमेशा रेड कलर का आई शेड ज़रूर अप्लाई करती हूँ ताकि एक तो इसका शेड चेंज हो जाता है और दूसरा कवर अच्छे से कर लेता है देन मैंने यूज़ किया है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन शेड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने मर्ज कर लिया है अच्छे से आज जो हम लुक क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमें फ़ाउंडेशन चाहिए एच लेकिन इतने कम रेंज में 500 600 में हमें अच्छा एच फाउंडेशन नहीं मिलता है लेकिन मैंने सभी प्रोडक्ट अफोर्डेबल यूज़ करे हैं और इसी रेंज में ही मुझे फ़ाउंडेशन को एच लुक देना है और स्टे भी अच्छा आना चाहिए ऐसा मैं क्रिएट करूँगी देन मैंने अप्लाई किया है रेवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टिक जिसमें मेरा शेड है F10 इसका जो कवरेज है बहुत ही बढ़िया है और स्टे भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो मेरे को अगर बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन मेकअप चाहिए होता है तो मैं इसी फाउंडेशन को यूज़ करती हूँ इसकी रेंज अफोर्डेबल भी है और डिस्काउंट uh, में रहता है वैसे ये 800 हंड्रेड या नाइन का है लेकिन आपको अमेजोन या पर्बल डॉट कॉम पर इसका जो प्राइस है वो फाइव हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड के अराउंड मिल जाता है सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मर्च कर लूँगी अच्छे से पूरे फेस पे और नेक पे भी मैं मर्च कर लूँगी क्योंकि मेरा जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है कवरेज बहुत ही प्यारी है आप देख सकते हो इसमें देन मैंने फिटमी का कंसीलर यूज़ किया है जिसमें मेरा शेड है मीडियम 25. पहले मैंने सोचा था इसको सिर्फ साइड्स में ही अप्लाई किया जाए बट साइड्स में अप्लाई करके आप एच डी मेकअप लुक क्रिएट नहीं कर सकते उसमें सिर्फ हाईलाइटिंग ही आएगी साइड्स की लेकिन एच डी मेकअप लुक के लिए आपको प्रॉपर कंसील करना पड़ेगा अपने अंडर आई एरिया को और लिप्स की साइड्स पे नोज़ के ब्रिज पे साथ ही साथ फॉरड पे यार ये इतना अच्छा मतलब कंसीलर है ना कंसीलर और हाई का काम दोनों का कर देता है मतलब मेरे को अलग अलग चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हैं और अगर स्टे की बात करते हैं तो मेवलिन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी रेंज वो निकालता है उसके सारे ही मतलब स्टे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं चाहे वो लिपस्टिक्स ले लो चाहे वो कंसीलर ले लो चाहे वो फ़ाउंडेशन ले लो सबका स्टे बहुत बढ़िया आप लोग अगर वैनिटी बनाना चाहते हो अपनी और कम रेंज के प्रोडक्ट्स में बनानी है वैनिटी तो आप मेवलिन के प्रोडक्ट्स लो रेंज भी कम रहती है और अच्छी सी वैनिटी भी तैयार हो जाएगी देन मैंने अपने पूरे बेस को पैक कर लिया है फेसिस कैनेडा के कॉम्पैक्ट के साथ आइस के नीचे थोड़ा ज़्यादा कर लेना और बाकी फेस पे हल्का हल्का सा पैक कर लेना बस देन मैंने इन का सेम पैलेट यूज़ किया है और डार्क ब्राउन शेड से कॉन्टोर किया है मेरा जो वीडियो है पता नहीं क्यों बीच बीच में रुक रहा था तो मैं इसे कवर नहीं कर पाई लेकिन मैं आपको तरीका पूरा दिखा रही हूँ कि, कि किस तरीके से इसको करना है देन मैंने एस एफ आर का ब्लशर यूज़ किया है बहुत हल्का हल्का ही यूज़ करती हूँ कारल कलर है बहुत ही प्यारा लगता है ये मुझे कलर और अगर आपको लाइट ब्लशर चाहिए होता है तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ब्लशर नहीं है तो लाइट कलर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक्स होती हैं ना जो थोड़ी मेल्टेड uh, वाली होती हैं ऑयल बेस्ड लिपस्टिक्स होती हैं वो हम लिप्स पर तो आप लगाते नहीं हैं तो उससे भी आप कर सकते हो देन मैंने हाईलाइटिंग के लिए अपनी फिंगर का ही इस्तेमाल कर लिया है और सेम ग्लैम विस्तर की पैलेट से मैंने हाईलाइट कर लिया है देन मैंने आई शेड अप्लाई किया था अपने पूरे आईलेट uh, पर पता नहीं क्यों वीडियो बन नहीं पाई मुझे समझ नहीं आ रहा है बट मैंने उसके बाद आपको ये दिखा दिया कि सिर्फ आईलेट पे ही आपको अप्लाई करना है देन मैंने इनर कॉर्नर्स के लिए यूज़ किया है ग्लिटर ग्लिटर आपको से नॉर्मल मार्केट से मिल जाएगा ये मैंने किसी ब्रांड का या कोई ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया था ये मैंने अपने मैरिज के टाइम के ले रखे हैं प्रोडक्ट्स तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ तो आप इससे भी रिक्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल ग्लिटर अप्लाई करके हल्का सा जो चंकी पार्टिकल्स वाले छोटी छोटी डब्बियाँ आती हैं ना मार्केट में उसको भी आप लगा के फिंगर की मदद से उससे भी आप कर सकते हो ये लुक को क्रिएट देन मैंने ब्रॉज़ को फिल करने के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का पैलेट जिसमें मेरा शेड है ज़ीरो वन और अगेन मैं एक ही चीज़ बार बार बताती हूँ आगे की साइड पे लाइट शेड यूज़ किया करो और पीछे की साइड पे डार्क यूज़ किया करो देन मैंने लैशेस अप्लाई करी हैं लैशेस अप्लाई करने के लिए मैंने बेसिक सा ग्लू लिया है जो नॉर्मल रिटेल शॉप से मिल जाएगा ये ब्लैक और वाइट दोनों शेड्स में आता है अगर आपको ब्लैक मिलता है तो बहुत बढ़िया है वो ज़्यादा दिखता नहीं है वाइट हल्का हल्का सा दिखने लगता है बट ऐसा दिखने की कोई टेंशन रहती नहीं है क्योंकि मैं आईलाइनर तो अप्लाई करती ही हूँ तो मैंने इन साइड का आईलाइनर अप्लाई कर लिया है देन मैंने काजल अप्लाई किया है मेबलिन का जेल आई वाला बहुत ही अच्छा स्टे देता है बिल्कुल स्मच प्रूफ काजल है ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और आपकी आँखों आँखों के नीचे नीचे आ गया बिल्कुल ऐसा नहीं करता है देन मैंने मैट क्रश का लिपस्टिक यूज़ किया है मेरा फेवरेट लिपस्टिक है शेड बहुत ही प्यारा है हेयर्स पे मैं बेसिक कर्ल्स करूँगी और एक्सटेंशंस लगाऊंगी और साथ में मैंने लहंगा पहनना है मरून कलर का तो आगे ये लुक आपको दिखेगा अगर ये लुक आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस YouTube चैनल को थैंक यू सो मच